200 ग्राम भी अभिषेक शर्मा और रोहित शर्मा को बेहतर खिलाड़ी और बैट्समैन मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र 100 लाइक्स का है तो लाइक जरूर करें। 200 अभिषेक शर्मा के 46 गेंदों में 100 रन देखने के बाद पाकिस्तान में तो बवाल ही मच चुका है और बड़े से बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों ने अपने चौंकाने वाले बयान जारी कर दिए अभिषेक शर्मा और भारतीय नई टीम पर। आखिरकार दोस्तों पाकिस्तानियों ने बौखलाते हुए अपने बयान में क्या चौंकाने वाली बातें कही, उनके पूरे बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या अभिषेक शर्मा रोहित शर्मा से ज्यादा बेहतर ओपनर है? नीचे कमेंट करके जवाब जरूर बताइएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के बाद ना तो रोहित T20 खेलेंगे और ना ही विराट कोहली, लेकिन अब लग रहा है कि युवा पीढ़ी इन दोनों की जगह लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे स्पोर्ट्स क्लब में अपना पहला मुकाबला हारने के बाद 0 पर आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा को खास तौर पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। ये वही भारतीय क्रिकेट टीम है जिसके सारे खिलाड़ी IPL के बड़े से बड़े सुपरस्टार कहे जाते हैं, फिर भी पहले मुकाबले में हार के बाद दूसरे मैच में दोस्तों किसी के भी माथे पर शिकन नजर नहीं आई। गिल ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी, वो खुद तो 2 पर आउट हो गए, लेकिन उनके जोड़ीदार और खास दोस्त अभिषेक शर्मा ने इतिहास रच दिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ बिल्कुल वैसा ही प्रदर्शन किया जैसा कि रोहित शर्मा ने अपनी डेब्यू सीरीज में किया था। जिम्बाब्वे के खिलाफ 47 गेंदे 8 छक्के 7 चौके जड़कर 212 के स्ट्राइक रेट से इस खिलाड़ी ने 100 रन की पारी खेली और उनके 100 रन दोस्तों भारत को 150 के पार ले गए थे 15वें ओवर तक, क्योंकि दूसरे छोर से गायकवाड़ भी छक्के बरसा रहे थे। 77 रन उन्होंने बनाए और इनको भी 5 छक्के जड़कर 50 रन के आसपास की पारी खेलकर गए, जिससे कि टोटल बना 234 रन का। दोस्तों इतना बड़ा लक्ष्य चेस करने के लिए इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के पसीने छूट जाएं तो फिर भी जिम्बाब्वे की टीम थी। इसके बाद हमारे फास्ट पेसर्स यानी कि अवेश खान और मुकेश कुमार ने 3 विकेट लिए और मैच को 100 रन के अंतर से भारत के नाम करा दिया। दोस्तों ये एक बड़ी जीत है और इतनी बड़ी जीत मुमकिन हुई है अभिषेक शर्मा के शतक के बल पर कहीं ना कहीं, इसीलिए इनके शतक की तारीफ और तुलना पूरी दुनिया में की जा रही है। ऐसे में पाकिस्तानी दिग्गजों को क्या कुछ कहना, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों अख्तर ने तो वीडियो अपलोड कर कहा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद लगा था कि शायद भारतीय क्रिकेट टीम को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रोहित और विराट का रिप्लेसमेंट ढूंढना कोई आम बात नहीं है, वैसे खिलाड़ी सदियों में पैदा होते हैं, लेकिन अब तो लग रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम को रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट मिल ही चुका है। जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक लगाना, वो भी उस मैच से आकर जहां पर आप 0 पर आउट हुए हो। अभिषेक शर्मा में वाकई में एक ट्रू स्पोर्ट्समैन की क्वालिटी है और मुझे लगता है कि आगे चलकर वो भारत के खतरनाक ओपनर भी साबित होंगे। छक्के से शुरुआत करना फिर शतक जड़ना स्टाइल में, ये उनका क्लास दिखाता है। मुझे पूरा यकीन है कि भारत को दूसरा रोहित शर्मा मिल चुका है। दोस्तों इंजमा मुल्क ने भी कहा, भारतीय टीम के कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे मेरे विचार नहीं मिलते, उनमें से रोहित शर्मा एक है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस का मैं फैन हूँ और अगर उनके बाद कोई उनकी गद्दी पर बैठ सकता है तो वो अभिषेक शर्मा ही है। मतलब ऐसी क्लास परफॉर्मेंस देखे वो अरसा हो गया। 47 गेंदों में शतक बहुत कुछ दर्शाता है। एक शर्मा जी गए थे, दूसरे आ गए, भारत वाकई में बहुत लकी है। उसे वसीम अकरम ने भी कहा, अगर युवा खिलाड़ी ऐसे खेल रहे हैं तो जरा सोचिए जब अनुभवी टीम के खिलाड़ी भी इनसे मिल जाएंगे तो ये और कैसा प्रदर्शन करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम और विस्फोटक होने वाली है। 2026 T20 वर्ल्ड कप भी अब तो इनका ही लगता है। रोहित का रिप्लेसमेंट अभिषेक शर्मा है। दोस्तों रमीज रजा और साथ ही साथ अफरीदी जैसे दिग्गजों ने भी कहा, मुझे लगता था कि भारतीय क्रिकेट टीम अब T20 में कमजोर हो जाएगी, लेकिन एक भी कारण नहीं मिल रहा उन्हें कमजोर बताने का। अभिषेक शर्मा आ गए, रोहित शर्मा गए तो, और ये तो उनसे भी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये बड़ी टीमों की धुनाई करेंगे। दोस्तों अभिषेक शर्मा की पारी कुछ ऐसी थी कि हर कोई उनका फैन हो गया है। वैसे आप सभी उनके इस पारी को 100 में से कितने नंबर देंगे, नीचे रेटिंग जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए दूसरे T20 मैच में भारतीय टीम को जीत मिल गई है। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 234 रन विकेट के नुकसान पर बना दिए। हालांकि अब इसका पीछा करने के लिए आई जिम्बाब्वे की टीम लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाई और इस मैच को 100 रन से हार गई, जहां पर इस मैच में 18.4 ओवर के अंदर जिम्बाब्वे की टीम 134 रन पर ऑल आउट हो गई। ऐसे में भारतीय टीम को इस मैच के अंदर मिली जीत के बाद अब सीरीज 2 मैच के बाद बराबरी पर हो गई है, जिसके बाद अब वेस्टइंडीज के दिग्गजों ने सनसनी मचा देने वाला बयान जारी कर दिया है, जिसमें विवियन रिचर्ड्स ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में शानदार जीत मिली है। आज के दिन भारतीय टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया है, तो वहीं जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से आज किसी भी खिलाड़ी ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। अगर आज जिम्बाब्वे की टीम बेहतर प्रदर्शन कर देती तो भारतीय टीम को इस मैच के अंदर शानदार जीत नहीं मिल पाती।
थी। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि जिम्बाब्वे की टीम को आज पता लग गया होगा कि वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ किस तरीके से आपको काफी ज्यादा मेहनत करने के साथ जीत दर्ज करनी पड़ेगी। हालांकि इस मैच में जिम्बाब्वे की टीम को काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन करने के चलते हार मिल गई है। तो वहीं क्रिस गेल ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार तरीके से जीत मिल गई है। इस मैच में जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से कोई भी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई नहीं दिया है। हालांकि पिछले मैच में जिम्बाब्वे की टीम ने शानदार गेंदबाजी और फील्डिंग के जरिए भारतीय टीम को परेशान कर दिया था, लेकिन इस मैच के अंदर ऐसा खेल देखने को नहीं मिला। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के सामने इस मैच के अंदर जिम्बाब्वे की टीम ने काफी ज्यादा खराब बल्लेबाजी की और काफी ज्यादा खराब फील्डिंग करते हुए भारतीय टीम को जीत दर्ज करने का मौका दिया, जिसके चलते भारतीय टीम इस मैच को जीत गई। ऐसे में भारतीय टीम की जीत के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हो गया हूं। तो वहीं किरण पोलार्ड ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ इस मैच के अंदर शानदार जीत मिल गई है। इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जहां पर कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जिसने टीम को निराश किया हो, लेकिन आज इस मैच के अंदर उन सभी खिलाड़ियों ने काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर दिया है जिन्होंने पिछले मैच में कुछ भी कमाल नहीं दिखाया था। ऐसे में इस मैच के अंदर भारतीय टीम के तूफानी प्रदर्शन को देखकर मैं काफी खुश हूं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि जिम्बाब्वे की टीम को अपनी बल्लेबाजी के साथ फील्डिंग में सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि पिछले मैच की तरह इस मैच के अंदर भी जिम्बाब्वे की टीम की बल्लेबाजी काफी ज्यादा खराब रही है। तो वहीं ब्रायन लारा ने बयान देते हुए कहा है कि इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आज के दिन भारतीय टीम की तरफ से कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जिसने सभी को निराश किया हो, बल्कि सभी खिलाड़ियों ने काफी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है। तो दूसरी तरफ से जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से कोई भी बेहतर बल्लेबाजी नहीं कर पाया है। साथ में इस मैच के अंदर जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से गेंदबाजों ने भी काफी ज्यादा निराशाजनक प्रदर्शन किया है, लेकिन सबसे ज्यादा निराश मुझको इस मैच के अंदर जिम्बाब्वे की टीम की खराब फील्डिंग ने किया है, क्योंकि उन्होंने इस मैच में हद से ज्यादा कैच छोड़ दिए, जिसके चलते इतना बड़ा स्कोर खड़ा हो गया और भारतीय टीम इस मैच को जीत गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मैच में भारतीय टीम की जीत के असली हीरो कौन रहे हैं? अपनी राय नीचे कॉमेंट करके जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच खेला गया जिसमें भारतीय टीम को जीत मिली है। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा के 100 रन के दम पर 234 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए और इसका पीछा करने आई जिम्बाब्वे की टीम लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई, जहां पर आज मैन ऑफ द मैच रहे अभिषेक शर्मा ने 8 छक्के की मदद से 100 रन बनाए। इस बीच उन्होंने इस साल 47 छक्के पूरे किए और एक साल में सबसे ज्यादा छक्का लगाने के मामले में रोहित शर्मा के 46 छक्के को पीछे छोड़ा। ऐसे में अभिषेक शर्मा के द्वारा तोड़े गए रिकॉर्ड के बाद T20 के दिग्गज बल्लेबाजों का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें हेनरिक लासेन ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से इस मैच में अभिषेक शर्मा ने काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी की है। उन्होंने आज के दिन जिस तरीके से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए छक्कों की बारिश की है और सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है, उसको देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए इस मैच के अंदर अभिषेक शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सभी को बता दिया है कि T20 क्रिकेट को इसी तरीके से खेलने के लिए ये खिलाड़ी तैयार है। ऐसे में अब आने वाले समय में बाकी के खिलाड़ियों के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अभिषेक शर्मा पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। तो वहीं विराट कोहली ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए पहले मैच में अभिषेक शर्मा ने कुछ खास कमाल नहीं किया, लेकिन जिस प्रकार से दूसरे मैच के अंदर उन्होंने आज के दिन बेहतरीन प्रदर्शन कर दिखाया है, उसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में उन्होंने छक्के का रिकॉर्ड हासिल किया और पीछे छोड़ा है, जिसके बाद मैं और भी ज्यादा खुशी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड तोड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरे ही देश का युवा खिलाड़ी है। ऐसे में मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा आने वाले दिनों में और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते दिखाई देंगे और भारतीय टीम को जीत भी दिलाएंगे। तो वहीं निकोलस पुरन ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को इस मैच के अंदर जीत मिल गई है, जिसमें अभिषेक शर्मा ने काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है। अभिषेक शर्मा ने आज सिर्फ अपना शतक नहीं लगाया बल्कि उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए छक्के के रिकॉर्ड को भी अपने नाम कर लिया है। उन्होंने इस मैच के अंदर अपनी पहली पारी खेलने के साथ ही पूरे क्रिकेट जगत को बता दिया कि अभिषेक शर्मा इसी तरीके से आगे आने वाले समय में काफी तूफानी प्रदर्शन करने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि अभिषेक शर्मा की इस बल्लेबाजी को देखकर मुझे लग रहा है कि यह खिलाड़ी आने वाले समय में बाकी के T20 रिकॉर्ड को भी तोड़ेगा। तो वहीं ट्रेविस हेड ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को इस मैच के अंदर शानदार तरह से जीत मिली है, लेकिन अभिषेक शर्मा ने जो तूफानी प्रदर्शन करके दिखाया है उसकी तारीफ होनी चाहिए। अभिषेक शर्मा ने इस मैच में सिर्फ तूफानी बल्लेबाजी नहीं की है बल्कि उन्होंने काफी ज्यादा तूफानी बल्लेबाजी करते हुए चौकों की बारिश की है, जो बताता है कि यह खिलाड़ी किसी भी तरीके से मैच में तूफानी प्रदर्शन कर विरोधी टीम को परेशान कर सकता है।
इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि अभिषेक शर्मा अगर इसी तरीके से आगे भी तूफानी बल्लेबाजी करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि अभिषेक शर्मा के अलावा किसी और खिलाड़ी के पास T20 का बेहतरीन रिकॉर्ड हो पाएगा। तो वहीं रोहित शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा की शानदार बल्लेबाजी के चलते जीत मिल गई है